वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिजल वीडियोस। और आज आपके लिए मैं एक और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में सबसे पहला टॉपिक आता है रेशियोज़। अभी रेशियोज़ क्या होते हैं, तो रेशियो का सिंपल मतलब ये होता है कि कंपेयरिंग टू और मोर क्वांटिटीज। अब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तब हम रेशियो का यूज़ लेते हैं। अब ये जो क्वांटिटीज़ है वो सेम होने चाहिए, मतलब अगर हम किसी चीज़ का वेट ले रहे हैं तो वेट में ही होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों का हमें वेट ही लेना पड़ेगा। अगर हम हाइट ले रहे हैं तो हम हाइट लेंगे, या फिर अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो हम वॉल्यूम लेंगे। अब जैसे कि इस बास्केट में कुछ एप्पल्स हैं और कुछ ऑरेंजेस हैं। अब जो ऑरेंजेस हैं, अब इस बास्केट में पूरे मिलाकर 5 ऑरेंजेस हैं। और इसी बास्केट में पूरे मिलाकर करीब 20 एप्पल्स हैं। अब हम जब इनका रेशियो निकालेंगे तब हम इसको लिखेंगे रेशियो। अब रेशियो हो जाएगा या तो ऑरेंजेस इज टू एप्पल्स या फिर एप्पल्स इज टू ऑरेंजेस। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले रेशियो ले लेता हूँ ऑरेंजेस इज टू एप्पल्स, तो वो हो जाएगा 5:20। अब हम इसको कुछ इस तरह लिखते हैं जो होता है 5/20, तो ये हमें मिल जाएगा 1/4, मतलब 1:4। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि एप्पल्स जो है वो ऑरेंजेस के 4 गुना है और ऑरेंजेस इस बास्केट में एप्पल्स के 1/4 हैं। अब ये तो हो गया रेशियो ऑफ ऑरेंजेस इज टू एप्पल्स। अब हम रेशियो ऑफ एप्पल्स इज टू ऑरेंजेस लेंगे, तो रेशियो हो जाएगा 20:5, जिसका मतलब होगा 20/5, तो हमें आंसर मिल जाएगा 4/1, जिसको हम लिख सकते हैं 4:1। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि एप्पल्स जो है वो ऑरेंजेस के 4 गुना है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रेशियो को इस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं, दोनों का मतलब सेम ही होगा। अब इसी को हम एक और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि जयेश के पास ₹100 हैं और रवि के पास ₹50 हैं। अब हम इनका भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब हम इसमें भी कंपेयर करेंगे कि जयेश के पास रवि का कितना गुना है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम रेशियो का यूज लेंगे। तो हम तो अभी हम रेशियो ले रहे हैं जयेश इज टू रवि का, तो वो हो जाएगा 100:50, इसका मतलब होगा 100/50, जो हो जाएगा 2/1, मतलब 2:1। अब इसका मतलब ये हो गया कि जयेश के पास रवि के दुगना रुपए हैं। अब जब भी हम रेशियो लिखते हैं तब हम एक कोलन साइन का यूज़ करते हैं और इस कोलन को हम बोलते हैं इज टू। अब हम दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे जो है परसेंटेज।
अब ये जो परसेंटेज है ये दो शब्द से बना है। पहला है पर और दूसरा है सेंटेज। अब सेंटेज का मतलब क्या होता है? सेंटेज हमें वर्ड मिला है सेंचुरी से, और सेंचुरी मतलब होता है 100। तो सेंटेज मतलब हो गया 100। अब इस शब्द में पर का मतलब ये हो जाएगा कि पर 100, मतलब 100 में से कितना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम जब कंपेयर कर रहे हैं तब उसको हम 100 के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। अब इसके लिए भी हम पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं बास्केट वाला, जिसमें 20 एप्पल्स थे और 5 ऑरेंजेस थे। अब 100% मतलब होता है पूरा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 20 + 5, मतलब 25 फ्रूट्स। अब अगर मेरे को एप्पल्स का परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे करूँगा? तो वो कुछ मैं इस तरह करूँगा। अब मैं सबसे पहले तो नंबर ऑफ एप्पल्स लिख लूँगा, जो है 20 / मैं नंबर ऑफ फ्रूट्स लिखूँगा, जो है 25, और उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब 25 फोर ज़ा होता है 100, 4 × 2 = 8 और फिर 0। तो ये हमारा आ गया 80%। इसका मतलब ये है कि इस बास्केट में 80% जो फ्रूट्स हैं वो एप्पल्स हैं। अब ये तो हो गई यूनिटरी मेथड, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब एक दूसरी मेथड भी होती है जो है डिनोमिनेशन मेथड। तो इस मेथड को समझने के लिए मैं ऑरेंजेस का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अब हम परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस निकालेंगे। तो इसको हम अब डिनोमिनेशन मेथड से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एप्पल्स की तरह ही लिख लेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस अपॉन नंबर ऑफ फ्रूट्स। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है 5 अपॉन नंबर ऑफ फ्रूट्स है 25। अब हम क्या करेंगे कि हम डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 100 मिल जाए। तो 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 100 मिल जाएगा। तो मैं 5/25 को 4/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरे को देगा 20/100। तो इससे हमें पता चल गया कि ऑरेंजेस जो है वो इस बास्केट में नंबर ऑफ फ्रूट्स के 20% है। अब जो एप्पल्स थे वो थे 80%। तो हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तब हमें 100% मिलना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को मिला रहे हैं 80 + 20, तो हमें 100 मिल रहा है। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं।